बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम नवीन मिराज, लेक्चर नंबर 16B। इसमें हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 2 हमारा लास्ट लेक्चर में खत्म हो गया था। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है साइंटिफिक नोटेशन का। लफ्ज नोटेशन का मतलब होता है लिखने का अंदाज, तहरीर करने का अंदाज। आपने बहुत सारे नंबर्स को लिखा, वो जो लिखने का अंदाज नंबर्स को है, जिससे हम पहले से ऑलरेडी फेमिलियर है, वो अंदाज कहलाता है ऑर्डिनरी नोटेशन, आम आम तकनीक। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, किसी भी नंबर को आप लिखते होते हैं, कोई नंबर नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई 10 की कोई ना कोई पावर। अब ये ए क्या है, ये ए 1 और 10 के दरमियान वाला नंबर होगा, यानी एक ऐसा नंबर होगा जो कि 1 भी हो सकता है, 1 से लेस भी हो सकता है, 1 के 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, और 10 से हमेशा छोटा होगा। यानी ये एटलीस्ट जो एक नंबर है, ये 1 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, लेकिन 10 से हमेशा क्या होगा, छोटा। तो ये ए है, और यहां जो पावर n नजर आ रही है आपको, ये इंटीजर है, और इंटीजर हमें पता है इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3.06 10 रेज़ अपॉन 4, ये एक अंदाज है। देखिए इसमें ये वैल्यू जो हमें नजर आ रही है, इस पर ये ए की वैल्यू है, ये 10 आ गया और ये n है पावर। ये जो अंदाज लिखने का है, इसे कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। फिर हम अगर इसी को ऑर्डिनरी नोटेशन लिखते हैं, तो ये अंदाज जिससे ऑलरेडी हम लोग फेमिलियर हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास दो तरह के सवाल आएंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन होगा, आपने साइंटिफिक में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आकर आपने क्या होगा, साइंटिफिक अंदाज होगा और ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर आएंगे। तो देखिए जी, हमारे पहला सवाल है जिसको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। 5700 ये हमारे एक नंबर की वन है और आपने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए कुछ रूल्स याद कर लें। पहले हमें पता है कि हर नंबर के एंड पर, यहाँ पर हमें कोई डेसिमल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये होता है, यानी ये 5700 लिखा हुआ है, तो इसके एंड पर डेसिमल पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे, पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। पहला स्टेप क्या है, आपने हमेशा पहले नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट लगाना, डेसिमल पॉइंट। तो यहां पे देखें, ठीक है, हमारे पास पहला नॉन जीरो नंबर क्या है, ये 5, हमने लिख देना है 5.7, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर तक। फिर लिखा हुआ है मूव डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स लेफ्ट फॉर द नंबर व्हिच आर ग्रेटर देन 1। देखिए नंबर दो तरह के आएंगे, वो नंबर जो कि 1 से ग्रेटर होंगे उनको भी कन्वर्ट करेंगे, वो नंबर जो कि 1 से लेस होंगे उनको भी कन्वर्ट करेंगे। तो वो नंबर जो कि 1 से बड़े होंगे उनके लिए क्या रूल्स बता रहे हैं हम आपको, आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है। ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, आपने इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवा देंगे, ठीक है। अब जरा देखिए कितनी प्लेस मूव कर रहा है, आगे मैंने लिखा हुआ है डेसिमल पॉइंट प्लेसेस मूव्ड विल बी पावर ऑफ 10। जितनी प्लेसेस डेसिमल की वो मूव करेगा, वो 10 की पावर बन जाएगा, यानी कि वो नंबर जो कि 1 से ग्रेटर है उनके लिए ये तीन बातें यहां पे याद रखनी है, ठीक है। पहला आपने पॉइंट लगा दिया फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद, फिर आपने क्या किया, यहां पे डेसिमल पॉइंट को मूव करवा रहे, कितनी प्लेस, 1 2 3 प्लेस मूव करवा रहे, तो 10 की पावर क्या बन जाएगी, 3। 10 की पावर 3 पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये नंबर क्या था, एक ग्रेटर नंबर था 1 से। फिर आते पार्ट 4 पे, यहां पे भी सेम रूल वही लगाएंगे आप, क्या करेंगे, पहले फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यानी 4 के बाद पॉइंट लगाया, सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख दिया, फिर ये वाला पॉइंट आपको मूव होना है टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये एक नंबर है 416.9 जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए हम इस साइड मूव करवा रहे हैं। और 10 की पावर कितनी प्लेस मूव कर रहा है, 1 2, तो लिखेंगे 10 की पावर 2, दैट इज योर साइंटिफिक नोटेशन, ठीक हो गया। आपने क्वेश्चन के साथ ये रूल नहीं लिखने, बस एक क्वेश्चन एक लाइन का ये सॉल्व करना है, ये रूल सिर्फ आपको समझाने के लिए। फिर आते हैं पार्ट नंबर 7, इसमें हमारे पास क्या है जी, एक ऐसा नंबर है 0.0074, 1 से छोटा नंबर है, लिहाजा इस नंबर को लिखने के लिए रूल डिफरेंट। पहला रूल वही है, पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो
पहला नॉन जीरो डिजिट 7 है, उसके बाद पॉइंट कहलाते हैं। सेकंड रूल है मूव डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स राइट, ऐसे नंबर जो 1 से लेस हैं आपने राइट साइड को मूव करवाना है, तो डेसिमल पॉइंट आपका राइट साइड को मूव करेगा तो ये बनेगा 7.4। कितने डेसिमल पॉइंट मूव किया इसने, 1, 2, 3, तो फिर ये बनेगी 10 की पावर 3 बट विद द नेगेटिव साइन। अब आपका साइन नेगेटिव, ये वो नंबर जो 1 से लेस है जब 10 की पावर आप बनाएंगे तो उसमें माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है। ठीक हो गया, नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उलट प्रोसेस है, आपने एक्सप्रेस इन द ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपने इसमें क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लेकर आना है पहला पार्ट। अच्छा, इसमें भी रूल मैंने बताया, फॉर द नेगेटिव पावर मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर पावर नेगेटिव है तो आपने डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स लेफ्ट लेकर आना है। देखिए इसमें हमारे पास यहाँ पे पॉइंट नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हमें पता है कि पॉइंट होता है एंड पर, ये पावर नेगेटिव है तो आपने इसको टुवर्ड्स लेफ्ट लेकर आना है। कितने प्लेसेस लेकर आएंगे, हमारे पास यहाँ पे 4 है तो ये एक नंबर तो ऑलरेडी मूव हो गया, तो बाकी कितने प्लेसेस मजीद मूव करना है आपने, आपने मजीद मूव करना है 3 मोर प्लेसेस। तो 3 मोर प्लेसेस के लिए आपने यहाँ पे जीरोस की तादाद, जीरोस को शो करना है, पॉइंट 0 0 0, यानी कि 3 जीरो इसलिए लगाए कि इसे 4 प्लेसेस मूव करना था, डिजिट यहाँ पर 1 था लिहाजा 4 में से 1 निकाले 3, तो मजीद 3 प्लेसेस मूव करने के लिए आपको एक्स्ट्रा 3 जीरोस लगाने पड़े और एंड पर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर यहाँ पे पावर है उसमें 1 ये वाला जो डिजिट है इसकी तादाद को माइनस कर दें, उतने जीरो आप लगा दें। नेक्स्ट तीसरा पार्ट, उधर भी ऐसे ही हमारे पास नेगेटिव पावर वाला नंबर है, क्या करेंगे आप देखें जरा, हमारे पास है जी यहाँ से डेसिमल पॉइंट मूव करना है टूवर्ड्स लेफ्ट और यहाँ पर देखें पावर है 6 और ये एक डिजिट है मूव होने के लिए, तो 6 में से 1 निकाले 5, इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा जीरो आपने लगाने हैं। यहाँ पर मैंने जीरो लगाए 1, 2, 3, 4, 5 और आगे ये मुकम्मल का मुकम्मल नंबर आ गया। अच्छा, ये जो जीरो हमने लगाया यहाँ पर भी और इस जगह पर भी, ये जस्ट डेसिमल पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए, डेसिमल पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए आपने यहाँ पर लगाया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट नंबर 4, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, पावर पॉजिटिव है तो मैंने रूल यहाँ नीचे लिखा, क्या रूल है, फॉर पॉजिटिव पावर मूव टुवर्ड्स राइट, अगर पावर पॉजिटिव है तो आपने डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स राइट लेकर जाना है। ठीक हो गया, अब जरा देखिए हमारे पास क्या है, पावर 8 है और अगर राइट साइड मूव करते हैं तो ये हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, ये 3 नंबर्स हैं जिन्होंने मूव करना है। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के इस साइड पर मूव करना है, डेसिमल पॉइंट में 3 नंबर्स को क्रॉस करके आना है, तो 8 में से 3 निकाल दें तो हमारे पास रह जाते हैं 5, इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा 0 हमने लगाने हैं। ठीक है, 7, 8, 6, 5 और आगे राइट साइड में हमने 0 लगाने, 1, 2, 3, 4, 5 0। ठीक हो गया, तो नेगेटिव के लिए 0 पॉइंट समथिंग आ गया और जहां पावर पॉजिटिव है 0 राइट साइड पे आ रहे हैं, वहां पे एक्स्ट्रा 0 लेफ्ट साइड पे आए थे, यहां पे 0 राइट साइड पे आ रहे हैं। तो इन तमाम सवालों की प्रैक्टिस करें और ये सवाल अक्सर पेपर में लाजमी इसमें से एक दो एमसीक्यू आएंगे। थैंक यू।